जी हाँ दोस्तों, अभी भी हरियाणा से सबसे बड़ी अपडेट आ रही है। आ गई बुढ़ापा पेंशन 5100 खाते में, अप्रैल महीने की भी पेंशन खाते में आने शुरू। आपको बता दिया जाए कि इलेक्शन के चक्कर में कई बुजुर्गों की अप्रैल महीने से बुढ़ापा पेंशन नहीं आ रही थी, तो हरियाणा सरकार ने अप्रैल और मई महीने की दोनों महीने की पेंशन एक साथ जारी करने का आदेश दे दिया है। आपको बता दिया जाए कि 10,200 रुपये सभी महिलाओं के खाते में बुढ़ापा पेंशन ट्रांसफ़र करने के आदेश जारी हो चुके हैं। आपको बता दिया जाए कि लगातार बुजुर्गों के खाते में एक साथ 10,000 रुपये पहुँच रहे हैं, तो महिलाओं के चमक उठे हैं चेहरे। आपको लगातार हरियाणा में बुजुर्गों में खुशी आ चुकी है कि चलो बेशक मेरी एक महीने की बुढ़ापा पेंशन लेट हो गई थी, लेकिन अब मुझे बुढ़ापा पेंशन एक साथ दोनों महीने की देख करके बड़ी खुशी हो रही है और एक साथ 10,000 रुपये उन्हें खर्च करने का भी मौका मिलेगा। आपको बता दिया जाए कि इलेक्शन में अब भागा दौड़ी के चक्कर में और काफ़ी इलेक्शन की चर्चा और लगातार इलेक्शन में यही चल रहा था कि कौन नया सीएम बनेगा, इस वजह से बुढ़ापा पेंशन के आगे बारे में नहीं सोच पा रहे थे। लेकिन हालांकि अब महिलाओं के लिए ये खबर बहुत खुशखबरी है कि 10,000 रुपये सीधा उनके खाते में ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं, वो जल्द से जल्द अपना बैंक से या CSC केंद्र से निकलवा सकती हैं। हालांकि जो बुजुर्ग बुढ़ापा पेंशन निकलवाने में असमर्थ है, तो अपने नज़दीकी पोस्टमैन को फ़ोन करके बुला सकता है, घर बैठे हाथों हाथ बुढ़ापा पेंशन ले सकता है।